सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, इस एपिसोड में मैं आपको कुर्ते का बचा हुआ हिस्सा बताऊंगा। अगर वीडियो ज्यादा लंबा हो गया तो अगले एपिसोड में कुर्ता फाइनल कर दूंगा। वही एपिसोड शुरू करने से पहले वही छोटी सी अपील, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सिर्फ वही लोग सब्सक्राइब करें, बाकी जिन्होंने कर दिया है वो दोबारा ना करें, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। आप उन बेरोजगार बच्चों को भी हमारे चैनल के बारे में बताइए, उनको हमारे वीडियो लिंक भेजिए ताकि वो भी इस चैनल से फायदा उठा सके। तो चलिए दोस्तों, कुर्ते का बचा हुआ भाग शुरू करते हैं। ये हमारी दूसरी जेब लग गई है, ये सिलाई को नाखून से बिठा दीजिए। ये हमारी दूसरी जेब लग गई है, तो हमारी जेब कंप्लीट हो गई है। अब हमारा ये देखिए क्या बच गया, बाजू में कफ है नहीं, बाजू हमारी कंप्लीट है, जेब हमने लगा दी है दोनों। अब हमारी बच गई सिर्फ बैन पट्टी, ये हमने बैन पट्टी बनाई थी, ये हमारी बैन पट्टी बच गई है। अब हम इसको देखेंगे कि ये जो हमारा हल्ला है, इसको गले वाले को इसको हल्ला बोलते हैं, ये हम इस पे नाप के देखेंगे। पहले इसका सेंटर कर लीजिए तीरे का, ये दोनों ज्वाइंट मिला के आप इसका ये सेंटर कर लीजिए तीरे का। ये हमने बैन पट्टी का सेंटर कर रखा है, ये सेंटर किया हुआ है। अब आप इसको नाप के देखते हैं कि ये कितना बड़ा छोटा पड़ता है। ये ऐसे इसको थोड़ा सा खींच के नापिए, ये देखिए ये यहां पे आ रहा है इसका कुट का सेंटर का, और इसका तीरे का ये यहां पे है। इसका मतलब हाला ये छोटा है, थोड़ा सा हमें काटना पड़ेगा। अब काटने के लिए इसको इस सिंगाड़े से आप इसको बटन पट्टी और काज पट्टी को ऐसे बराबर रखिए, ये ऐसे बराबर रखिए, और इससे हाला जितना छोटा पड़ रहा था उस हिसाब से आप इसको काटिए। ये हम इतना काट लेते हैं, उसी शेप में काटना है जिस शेप में हमने ये रखा हुआ। ऊपर से कम करते चले जाइए, ये अब इसको सिंगल करके काटेंगे तो आपको ज्यादा आसानी रहेगी। मैं तो डबल भी काट देता, ये सिंगल सिंगल कर लीजिए इसको, और अब आप इसको आसानी से सेफ दे दीजिए। ये टिक नहीं काटना आपने, ये जो टिक होती है, ये जो तीरे की टिक होती है इसको टिक बोलते हैं, ये टिक नहीं काटना आपने, सिर्फ गोलाई तक आपने ये लेना है। अब इसको हाले को इस बैन से, ये जो सेंटर का कुटका है, इससे इन दोनों को मिला के नाप लीजिए। ये ऐसे हाले को सेंटर करके ये दोनों ज्वाइंट मिलने चाहिए कंधे वाले। अब इसको ऐसे नाप लीजिए ये सेंटर से, ये देखिए ये बिल्कुल सही आला है, दो सूत छोटा है, जब चढ़ाएंगे तो ये दो सूत बढ़ जाएगा। अब हम बैन चढ़ाते हैं, सीधी साइड से बैन चढ़ेगा। ये तीरा की टिक है, टिक का ये निशान है, ये हमारा बैन का सेंटर का निशान है। इस निशान से हम पहले आधे से सिलाई आधा ये आधा जोड़ेंगे, हम ये हम बाद में जोड़ेंगे, पहले सेंटर से आधा जोड़ेंगे। और नीचे वाला हल्ला हल्का हल्का खींचते रहना है ताकि जो बड़ा है वो बराबर आ जाए, ज्यादा नहीं खींचना नहीं तो आगे बढ़ जाएगा ये, क्योंकि ओरेब ज्यादा हिस्सा होता है इसके अंदर। तो हल्का सा खींच के थोड़ा 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 ये सिलते चले जाइए,
घुमा घुमा के अब ये यहां से इसको ये ऐसे पकड़ लीजिए। ये देखिए ये ऐसे हमने पकड़ लिया और अब ये बराबर रख लीजिए, ये ऐसे ऐसे बराबर रख लिया और अब हमने इसको हाले को और बैन के दबाव को बराबर कर लिया, ऐसे बराबर कर ले और ये सिलाई कंप्लीट कर दीजिए। ये देखिए ये मैंने सिलाई लगा दी है, सेंटर से हमने सिलाई उठाई है सेंटर से सिलाई उठाने का ये फायदा है कि आपका इधर से भी बराबर खींचेगा और इधर से भी बराबर खींचेगा। अगर यहां से हम शुरू करते हैं तो कहीं से ज्यादा कहीं से कम खींचेगा, वो ऑल्टरेशन करेगा। तो ये सेंटर से हमने उठा के ये सिलाई लगा दी है। अब हम इसको ये हमने ऐसे पकड़ लिया और ये पट्टी का ये ऐसे रख लिया हमने, बिल्कुल बराबर रख लीजिए, ये हमने बराबर रख लिया। अब हम यहां से इस पेस्टिंग के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। ये हाला ज्यादा नहीं खींचना, नहीं तो लंबा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा कम ही रखो, हल्का सा टाइट रखो, खींचो मत। इसके अंदर बैन वाले बैन पट्टी के अंदर थोड़ी नम दीजिए, इसको थोड़ा सा कम खींचिए, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। ये देखिए ये हमारी अब सिलाई कंप्लीट होगी। अब हमने क्योंकि हमने थोड़ा सा हाला खींचा है तो यहां से हम हल्के हल्के ये यहां से ये जो हमने खींचा हुआ है हाला, ये बैन है ये, इसको हाला बोलते हैं, ये हाला खींचा, इसमें हल्के हल्के से हम कट लगा दे। अकेले हाले में कट लगाना है, बैन पट्टी में नहीं लगाना। ये तीन चार कट हमने लगा दिए। अब ये देखिए अब हम इस दबाव को नाखून से ऐसे पट्टी की तरफ ऐसे हम बिठा देंगे। ये देखिए नाखून से ये पट्टी की तरफ हम बिठा देंगे। ये बहुत ध्यान से करने वाली बात चीज है, बहुत ध्यान से करने वाला काम है, क्योंकि थोड़ा सा भी आप गलत करेंगे तो वही सलवट आ जाएगी, ऑल्ट्रेशन आ जाएगी। अब आप देखिए ये हमने लगा दिया, ये हमारा बैन चढ़ गया। अब हम इसको ये जो दबाव है हमारा, इसको हमने सुई से कच्चा डालना है, कच्चे से बड़ा कोई उस्ताद नहीं होता, कच्चा आप डाल के चलेंगे तो आपसे कोई गलती नहीं होगी। अब ये हमने इसको अंदर करना है ठोके को, ये हमने अंदर कर लिया और अब हम इस पे ये कच्चा डालेंगे। ये सुई में धागा डाल लिया है मैंने, ये ऐसे अंगूठी की आदत डालिए ताकि सुई का कोई भी काम करे तो आपको सुई हाथ में ना चुभे। अब ये देखिए ये हमने ये इसको अंदर कर लिया, अब इस ठोके को हमने ये अंदर कर दिया है। अब हम इस पे कच्ची सिलाई लगाएंगे सुई से, क्योंकि राउंड सेफ है, सुई से बिल्कुल ठीक आपकी राउंड सेफ आ जाएगी। ये देखिए ये आपका बिल्कुल साफ ठोका बन गया है। अब यहां से हम कच्चा डालना शुरू करेंगे। इस दबाव को इस सिलाई से ये जो दबाव है नीचे रहना चाहिए ताकि बाहर से हम सिलाई लगाएंगे तो ये कपड़ा दब जाए।
ये देखिए उसी राउंड शेप में मैं कच्ची सिलाई लगा रहा हूं, कच्चा डाल रहा हूं, आपको कच्चा नजर आ रहा होगा। देखिए ये बिल्कुल उसी शेप में, जिस शेप में हमारा बैन है उसी शेप में मैंने ये कच्ची सिलाई लगा दी है। अब हम इसको बाहर से पक्की सिलाई लगा देंगे, चारों तरफ से पक्की सिलाई लगा देंगे बैन की। ये देखिए बैन के ऊपर नहीं लगानी सिलाई, बैन के बिल्कुल साथ साथ लगानी है, ये सिलाई नजर भी नहीं आएगी। अगर आपकी सही सिलाई बैन के नीचे लगी हुई है तो आपको ये नजर भी नहीं आएगी किसी को। ये देखिए सिलाई भी अच्छी लगती है, ऐसी बात नहीं है सिलाई अच्छी नहीं लगती, सिलाई भी अच्छी लगती है। ये ऊपर सिलाई लगी किनारे की, इधर भी सिलाई लग रही है, ये सिलाई भी अच्छी लगती है, ना लगाओ तो भी कोई बात नहीं है। अब ये देखिए कहीं से कोई आपको सलवट नजर नहीं आएगी, और सलवट आनी नहीं चाहिए। ये तीरे की सेफ है, इसलिए भी सलवट नहीं आनी चाहिए कहीं भी। अगर सलवट आ गई तो आपने कोई ना कोई गलती की है, तभी सलवट आई है, ये कहीं सलवट नहीं आनी चाहिए। ये हमारा कंप्लीट कुर्ता बन गया है।